हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवृद्धि तिमन। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला मुंगेली से वैकेंसी आई है नई सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती का। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय से एज 35 ईयर रखी गई है। सैलरी यहां पर 15,000 मिलने वाली है। पद का नाम जो है मोंटेसरी शिक्षिका है और यहाँ पर एनटीटी सबसे पहले जो है इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि एनटीटी टीचर से इनको नहीं मिलते हैं उसके बाद जो है बीएड और बीटीसी वालों को यहाँ पर रखा जाएगा। ये इसकी मेन वेबसाइट है मुंगेली की। तो यहाँ पर आप लोगों को भर्ती में नजर आ रहा है सबसे ऊपर सेजेस में मोंटेसरी शिक्षिका एवं आया के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन। तो यहाँ पर एनटीटी टीचर्स की वैकेंसी है। यदि एनटीटी टीचर्स नहीं मिलते हैं उसके बाद जो है बीएड बीटीसी स्टूडेंट को यहां पर ले लिया जाएगा। यहां पर जो है एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको नजर आ रहा है, तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन ही फिल करना होगा। गूगल फॉर्म को फिल करके आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके भेजना होगा। आरंभिक तिथि 14 सितंबर है, अंतिम तिथि 28 सितंबर रहने वाली है। कोई एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई यहां पर इंटरव्यू रहने वाला है। आपके डॉक्यूमेंट के बेस पर जो है मेरिट तैयार होगी और उसके बाद सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए मेन वेबसाइट पर ही जो है नोटिफिकेशन कंप्लीट दिया हुआ है उसे हम देख लेते हैं। संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन है। मुंगेली जो है कहाँ है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो छत्तीसगढ़ राज्य से ही बहुत सारी वैकेंसी निकाली जा रही हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय है जहाँ नर्सरी कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं और अलग अलग जगह से है। यहीं पर मुंगेली डिस्ट्रिक्ट से ही दाऊपारा से है, लोरमी से है, पथरिया से है, लालपुर थाना से है, सरगांव से है। उसके बाद यहाँ पर मोतिमपुर, अमर टापू, इसमें नर्सरी शिक्षिका के संविदा पदों पर इच्छुक आवेदकों से विज्ञापन जारी किया गया है। तो 28 सितंबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों को करना होगा। वेबसाइट मैंने आप लोगों को दिखाई, तो इसी वेबसाइट पर आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से ये गूगल फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी जो है वो बनानी होगी और यहाँ पर आप लोग सारी जो भी इंफॉर्मेशन है पूछी गई है वो सभी आप लोग फिल करके भेज देंगे। यहाँ पर मोंटेसरी शिक्षिका की जो है 15,000 सैलरी ही मिलेगी, कम है, बट जो है वो मैंने आपको बताई है। 12 यहाँ पर पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से है। आप लोगों ने एनटीटी कोर्स किया हो या फिर एमटीटी मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग या मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग संबंधी समकक्ष अगर योग्यता है। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों ने बीएड किया है, डीएड, डीलेड, ठीक है, और ये जो डीलेड बीएड स्टूडेंट हैं यदि नर्सरी टीचर नहीं मिलते हैं उसके बाद जो है इन पर विचार ये करेंगे। उक्त पद जो है पूर्णतः अस्थायी रहने वाले हैं, स्थायी वैकेंसी नहीं है। मेरिट सूची, कौशल परीक्षा आदि की जानकारी, अन्य सूचना समय समय पर जिले की मेन वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, अलग से नहीं बताया जाएगा। तो आप लोगों को इसी वेबसाइट पर बार बार जो है चेक करते रहना होगा। न्यूनतम आयु 21 है, अधिकतम 35 है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर केवल छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यार्थी ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, अन्य राज्य के नहीं। अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उत्तीर्ण होना आवश्यक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और आपकी डिग्री डिप्लोमा, साथ में 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो। अंतिम चयन किस तरीके से होगा, तो मोंटेसरी शिक्षिका के लिए हाई स्कूल के 35%, हायर सेकेंडरी के 50%, साक्षात्कार के 15% जो है अंक जो है मिलाकर कुल अंक भार जो है 100 का रहेगा और ऐसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये जो है लास्ट में भी दिया गया है आवेदन हेतु लिंक, यहाँ पर जो है आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा इस गूगल फॉर्म को फिल करके। तो चलिए ऐसी ही वैकेंसी जो है और भी जिले से जैसे ही आती है तो आप लोगों के लिए बिल्कुल लेकर आऊंगी वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।